नमस्कार दोस्तों, कहानी ललिता की ज़ुबानी में स्वागत है आपका। हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी, इंसान पासवर्ड का दास। हर इंसान पासवर्ड का नौकर है। वो जिस हालात में रहता है वो उसी में संरचना करता है। पुराने समय की बात है, एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य के हालचाल देखने के लिए जाता है। वो देखता है कि एक किसान पथरीली और उबड़ खाबड़ वाली ज़मीन पर गहरी नींद से सो रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर इंसान पासवर्ड का नौकर है, वो जिस हालात में रहता है उसी में ढल जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि ज़रा देखो इसे, ये बेचारा इस बेचैनी भरी स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है। और एक और, इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद अगर थोड़ी सी भी रुकावट आई तो मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। मंत्री ने कहा, महाराज ये एक किसान इस प्रकृति में ढला हुआ है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने इसी जिंदगी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया है। इंसान का शरीर बहुत ही कठोर होता है, वो जैसी अवस्था मिलती है वैसे ही अपने आप को उन चरित्रों में ढाल लेता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगी। किंग ने कहा कि ये परीक्षा लेनी चाहिए। वह किसान की परीक्षा लेने के लिए उसे अपने साथ राजमहल में ले जाता है। यहाँ पर राजमहल में उनके लिए उनकी हर तरह की सुख सुविधा की व्यवस्था की जाती है। वह किसान को बहुत ही अच्छा सोने के लिए गद्दे के लिए देता है। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ग्लैमर ठाट बाट का आनंद लेने लगता है। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सुख सुविधाओं का आदि वह गुलाम हो गया था। एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के गद्दे में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को भी अब इन सुख सुविधाओं की व्यवस्था की आदत लग गई थी, इसलिए वो ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से पूरी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी पूरी तरह से ठीक से पूरी नहीं हुई थी। अगली सुबह राजा और मंत्री उससे मिलने के लिए पहुँचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उस गद्दे में कुछ चुभने वाली चीज़ें थीं, इन चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि महाराज ये वही किसान है जो कि पथरीली ज़मीन पर भी गहरी नींद से आराम से सो रहा थे। अब ये 2 महीने से राजमहल में विलासपूर्णता जीवन की लत लग गई है, अब तो इसे पत्ते और चिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना। मनुष्य के स्वभाव के अनुसार जिंदगी ढलती है और वे किसी का दास बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ तुमने मुझे उस दिन सच ही कहा था, मनुष्य वाक्य में ही पासवर्ड का दास होता है। इस कहानी से शिक्षा, हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदि नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा कि हमने अपने आप को बनाया है। अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती है तो हम कभी ना कभी उन सुख सुविधाओं वाले कार्यक्रम के बिना नहीं रह पाते, इसलिए हमेशा साधारण जीवन ही जिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।